तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको आपका फ़ोन में जो प्ले स्टोर है आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे सुपर वीपीएन इसका आपको इंस्टॉल करना है, और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है, फिर आपको यहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करके आपको ये वीपीएन को कनेक्ट करना है, फिर आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपका फ़ोन में होम स्क्रीन पर आना है, फिर आपको आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, फिर सिम कार्ड पर आपको जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आपको सिम को सेलेक्ट करना है, और सिम को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वोल्ट इसको आपको ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है, उसके बाद परफॉर्मेंस नेटवर्क टाइप पर जाना है, उसके बाद आपको LTE इसको सेलेक्ट करके रखना है, फिर आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर जाना है, और एक्सेस पॉइंट नेम पर जाने के बाद रिसेट पर क्लिक करके आपको जो ऐप है इसको रिसेट करना है, फिर आपको फ़ोन आपको होम स्क्रीन पर आना है, और आपका फ़ोन में आपको फिर कनेक्टिविटी एंड शेयरिंग पर जाना है, फिर आपको यहाँ पे एरोप्लेन मोड को ऑन करना है, और फिर से आपको इसको ऑफ करना है, और एक आने के बाद आपका फ़ोन में आपको होम स्क्रीन पर चला आना है, और यहाँ पे आपको होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, और आपको प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे आपका प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर जाना है, और सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस पर जाना है, फिर ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पर आपको जाना है, और आपको यहाँ इसको एक्स मी एवरी टाइम इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है, और एक आने के बाद आपको यहाँ पे ऑटो अपडेट ऐप्स पर जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पे डू नॉट ऑटो अपडेट ऐप्स इसको सिलेक्ट करके रखना है, फिर बैक आना है, फिर ऑटो प्ले वीडियो पर जाना है, फिर इसको डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ से बैक आना है, फिर आपका फ़ोन स्क्रीन पे आना है, उसके बाद फ़ोन पे एप्लीकेशन को लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऊपर कोने में एक आई का ऑप्शन है तो उस पर आपको क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज एंड कैच पर जाना है, फिर आपको क्लियर कैच करना है, और उसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करके उसको ओके करना है, फिर आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको परमिशन में जाना है, और आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन का आपको अलाउ करना है। तो अगर अभी तक आप हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और पास में जो बेल आइकन है इसको ऑन कर दो, और इस कमेंट में आके आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में आके पूछ सकते हो, और हमसे कांटेक्ट करना है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, और हमसे वहां से कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम होगा फोन पे एप्लीकेशन के अंदर वो सारे सॉल्व हो जाएगा। तो थैंक यू।